प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जिला व महानगर का महासम्मेलन आज आगरा के GIC ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उनका कहना था कि इस बार युवाओं के हाथ में ही 2022 का विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी युवा जोर शोर से अपनी भागीदारी करेंगे और 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये विशाल सम्मेलन, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी जी GIC मैदान पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आज हजारों युवाओं का हुजूम उमड़ा है। ये माननीय योगी जी ने पिछले 5 वर्ष में माननीय मोदी जी ने जो कार्य कराए हैं, उनसे प्रभावित होकर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और आने वाले समय में माननीय योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगा सकता। उनको सरकार जेल भेजने का काम करती है और प्रदेश में युवाओं के लिए जितना काम हुआ है, 4.5 लाख नौकरियां युवाओं को बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सिफारिश के मिलने का काम हुआ है और किसानों को सम्मान निधि के रूप में 2-6 हजार रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों घर मिले हैं। बहुत बहुत काम पिछली सरकारों की तुलना में काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, अंत्योदय के लिए काम करना चाहती है। ये युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग अपील करता चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पुनः माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आने वाले समय में युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में युवा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उसी के तहत आगरा का ये युवा सम्मेलन है जिसमें मेरा आना हुआ। पूरे प्रदेश में नौजवानों में भाजपा के प्रति एक अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम नौजवान भाजपा के प्रति आकर्षित हैं और वही नौजवान मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। 2022 में किस तरह से युवा चुनाव का संघर्ष करेंगे, किस तरह से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नौजवानों में भाजपा और योगी जी के प्रति आकर्षण है उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार योगी जी काम कर रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी दे रहे हैं, कोई रिश्वत नहीं पड़ रही है, हर योग्य को नौकरी मिल रही है। पुरानी सरकार थी, पैसा पड़ता था और एक जाति के लोगों को नौकरी मिलती थी। वो सारी सीमाएं तोड़कर ईमानदारी से सरकार ने काम किया है, इस कारण नौजवान भाजपा में दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी को घेर रही है। प्रियंका गांधी राजनीति करने का प्रयास कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। वो उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की बातें करती हैं लेकिन जहां उनकी सरकारें हैं वहां वो मौन हो जाती हैं। इससे ये दिखता है कि वो पार्शियल हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, चाहे कोई भी हो, जो दोषी होता है किसी प्रकरण में बख्शा नहीं जाता है। अखिलेश की रैली की तुलना आप योगी जी की रैली से करिए। युवा मोर्चा की युवा सम्मेलन है, इसकी तुलना अखिलेश की रैली से नहीं, योगी जी की रैलियों की तुलना आप वहां से करिए, तब आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।